गोरखपुर जिला कारागार में सजा काट रहे मिथुन नाम का बंदी देश में ओडीओपी के तहत टेराकोटा को अलग पहचान दिलाने के लिए महापुरुषों की अलग अलग तरह की मूर्तियां बना रहा है। आपको बता दें कि जेल में बंद बंदी मिथुन हत्या की सजा काट रहा है, लेकिन जेल में बंद होने के बाद भी कुछ कर गुजरने की तमन्ना लेकर मेहनत और अपनी प्रतिभा के बल पर कुछ करना चाहता है। वह समाज को दिखाना चाहता है कि हम सजा जेल में जरूर काट रहे हैं, लेकिन हम में भी कुछ हुनर है जिससे समाज में मिसाल बन सकते हैं। ऐसे बंदियों कलाकारियों को जेल प्रशासन भी शिद्दत से निखार रहा है। बंदी मिथुन ने प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री योगी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल व उनके परिवार के सभी सदस्यों की मूर्तियां बना रहा है, जिसको जिला जज ने भी निरीक्षण के दौरान सराहा था। इनकी कला की प्रदर्शनी गोरखपुर महोत्सव में भी लगाई गई थी। प्रतिमाओं को देखकर लोगों ने खूब सराहना भी की थी। जेल प्रशासन का कहना है कि इन प्रतिमाओं को आम जनता के लिए भी बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। इससे बिक्री से जो पैसे मिलेंगे वो बंदियों के काम आ सके। बंदी मिथुन अन्य बंदियों की ट्रेनिंग भी दे रहा है, जिसके संबंध में गोरखपुर अरुण कुमार कुशवाहा ने बताया कि शासन द्वारा टेराकोटा को बढ़ावा देने के लिए मार्केट से जोड़ने का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिससे जल्द ही मार्केट में लाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर मंडलीय कारागार के जेलर अरुण कुशवाहा ने कहा, टेराकोटा की उत्कृष्ट मूर्तियों का निर्माण जेल में बंदी मिथुन द्वारा किया जा रहा है। उसकी सहायता में कुछ और बंदी भी लगाए गए हैं जो टेराकोटी की मूर्ति बनाने की कला सीख रहे हैं। बंदी मिथुन टेराकोटा के शिल्प में सिद्धस्थ है। उसने गोरखनाथ टेम्पल और काशी विश्वनाथ टेम्पल की प्रतिकृतियां भी दीवार पर चित्रित की हैं। इस समय बंदियों द्वारा टेराकोटा निर्माण में अद्वितीय कार्य किया जा रहा है और बहुत ही उत्कृष्ट उनके उत्कृष्ट कार्य की माननीय न्यायालयों ने, माननीय जनपद के अधिकारियों ने बहुत अधिक सराहा है। सर, आगे किस तरह से जोड़ा जाएगा इन लोगों को बाजार में? आगे इनके कार्य को विभिन्न निर्देश प्राप्त हो रहे हैं सरकार की तरफ से कि इस कार्य का को बाजार से जोड़कर उसको इनके परिवार को और इनको आर्थिक सहायता मिल सके, जिससे वो अपने केस की उचित पैरोकारी कर सकें, तो उसको बाजार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। एक समिति बनाकर उसके माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। सर, किस किस कला तरह की कृतियां बना रहे हैं? वो विभिन्न महापुरुषों की स्वाधीनता संग्राम से जुड़े हुए, आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों की, जैसे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, उनके परिवार के अन्य लोगों, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के पिताजी, माताजी, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, चंद्रशेखर आज़ाद, स्वामी विवेकानंद, माननीय प्रधानमंत्री की मूर्तियों का भी निर्माण किया जा रहा है। सर, इस तरह की कला को बढ़ावा देने के लिए जेल प्रशासन और आगे किस तरह करेंगे? जेल प्रशासन बंदियों को पूरा सहयोग दे रहा है। उनके कार्य में जो भी बाधाएं आती हैं उनको तुरंत निराकरण करा दिया जाता है।